इंडिया इज ऑन कमांडिंग पोजिशन विथ 171 रन लीड विथ 3 डाउन एज रोहित शर्मा स्कोर्ड हिज फर्स्ट ओवरसीज टेस्ट सेंचुरी ऑन एनी सॉइल एंड इंडिया इज ऑन विनिंग पोजिशन। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अतुल क्रिकेट अकेडमी में। इंडिया कमांडिंग पोजिशन पे इंडियन टीम के लिए रोहित शर्मा, के एल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और अब इंडियन टीम को जीत के लिए सिर्फ और 100 रन ऐड करने होंगे। अगर 100 रन सक्सेसफुली ऐड कर लेती है इंडियन टीम कल के मॉर्निंग और सेकेंड सेशन में, तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा चांस है इस मैच को जीतने का, और बचाने का तो वो चांस है ही इंडियन टीम के पास। तो दोस्तों क्या क्या हुआ आज के मैच में, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे YouTube चैनल अतुल क्रिकेट अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ताकि आप कोई अपडेट्स मिस ना कर पाए इस चैनल से। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कल का दिन कहां पे खत्म हुआ था। इंग्लिश टीम यहां पे कमांडिंग पोजीशन पे 99 रन की लीड ली थी इंग्लैंड ने, लेकिन उसे 59 कर दिया था इंडियन टीम ने। उसके बाद जब यहाँ पे कंटिन्यू किया तो रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी ओवर 100 रन और इंडियन टीम लीड ले चुकी थी। उसके बाद केएल राहुल 46 रन बना के आउट हो जाते हैं। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं चेतेश्वर पुजारा। अगर यहाँ पे टीम इंडिया लड़खड़ा जाती तो यहीं पे गेम बच जाता है इंडिया का, लेकिन इंडियन टीम ने नहीं लड़खड़ाई। रोहित शर्मा इस बार सेट होने के बाद बड़ा स्कोर बनाया, चेतेश्वर पुजारा ने साथ दिया, दोनों ने फिर से 130 और रन की अच्छी साझेदारी की। रोहित शर्मा ने अपना पहला टेस्ट ओवरसीज सेंचुरी लगाई, चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतक लगाया, 61 रन बनाकर चेतेश्वर पुजारा आउट हुए। उसके बाद पहले रोहित शर्मा 127 रन बना के आउट हुए, ओली रॉबिन्सन ने उन्हें आउट किया। उसके पहले जेम्स एंडरसन ने केएल राहुल को उड़ाया था। उसके बाद अगले ही ओवर में चेतेश्वर पुजारा को भी ओली रॉबिन्सन ने ही उड़ा दिया, और इस तरह से इंडियन टीम लड़खड़ाने के पोजीशन पे आ चुकी थी और हर बार लगभग लड़खड़ा जाती थी यहाँ से। लेकिन इस बार विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने लड़खड़ाने नहीं दिया। रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया इस मैच में दोनों इनिंग्स में नंबर 5 पे। पहले नंबर 7 पे बैटिंग करते थे रविंद्र जडेजा, अब नंबर 5 पे कर रहे हैं। तो रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने बाकी दिन के खेल को संभाला। विराट कोहली 22 रन बना के नॉट आउट है। अब अगर कल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया के लिए, पहले तो इंडिया को 100 रन आउट जोड़ना है, और उसके लिए विराट कोहली का 50 नहीं, विराट कोहली का 70 रन बनाना टोटली जरूरी है। विराट कोहली 100 बॉल पे अगर 50 बनाएंगे तो इंडियन टीम एक कमांडिंग पोजीशन पे बहुत आसानी से पहुंच जाएगी, और रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे को छोटे छोटे 20-25 रनों के कॉन्ट्रीब्यूशन देने हैं इंडिया को एक अच्छे पोजिशन पे लाने के लिए। और अगर इंग्लैंड के लिए, तो इंग्लैंड के लिए पहला एक घंटा, पहले एक घंटे में अगर इंडिया का गेम नहीं बजाया इंग्लैंड ने तो इंग्लैंड इज आउट ऑफ दिस गेम, क्योंकि उसके बाद पिच बैटिंग के लिए अच्छी हो जाएगी, बैट्समैन सेट हो जाएंगे, और अगर विराट कोहली सेट होगा तो उन्हें आउट करना बहुत मुश्किल होगा। अब देखते हैं कल के दिन क्या होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।